नमस्कार, मैं रितिका तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हमारे साथ मौजूद है सेंट्रल इंडिया की इकलौती साउंड थेरेपिस्ट, जो साउंड के थ्रू बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों को भी हील कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे कि कैसे वो साउंड के थ्रू इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम, साउंड थेरेपी से कैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं? साउंड हीलिंग अगर बात हम लोग करें रितिका, तो साउंड हीलिंग एक बहुत ही अमेजिंग थेरेपी है। और अगर मैं इसको नेक्स्ट जनरेशन की मोस्ट मॉडर्न टेक्निक बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप ये इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, मेरे सामने भी कुछ रखे हुए हैं। और जनरली हम लोग जब साउंड की बात करते हैं, तो आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम एंशियंट इंडिया से लेकर ग्रीस में देख लें, आप एथेंस में देख लें, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में देखें, साउंड का उपयोग किसी ना किसी तरह से संस्कृति में हमेशा से होता आया है। हिंदुस्तान की बात करें तो आपने तानसेन के बारे में सुना होगा, जिनकी रागों से बारिश हो जाती थी या दीपक जल उठते थे। तो यही साउंड की पावर है। मैं यूज़ करती हूँ सिंगिंग बोल्स को, मंत्रों को और हमारे वैदिक ज्ञान को। इसमें कुछ खास तरह के उपकरण होते हैं जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से जब ये फ्रीक्वेंसीज आपके शरीर में पहुंचती हैं, तो ये आपकी डिस ईज, मैं डिजीज को हमेशा डिस ईज ही कहती हूँ, डिस ईज को सेलुलर लेवल पे जाके राइट काइंड ऑफ एनर्जी से कंपेंसेट करती हैं, जो हेल्प करता है आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझने में, रिकवरी में, हीलिंग में और आपके ठीक होने के प्रोसेस को एक्सेल करने में। तो जैसा मैम, आपकी साउंड थेरेपी जो यहाँ पे आपका जो क्लिनिक है उसका नाम विजर्ड ऑफ साउंड है, तो इसके पीछे का क्या रहस्य होगा? विजर्ड ऑफ साउंड के पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक्चुअली माय सन नेम्ड इट by the name of wizard of sound, because जैसा कि हम लोग समझते हैं कि wizard is like something जो बहुत mystic, peculiar तरीके से आपकी demand को पूरा कर सके, किसी ना किसी तरीके से एक ऐसी शक्ति जो आपको कुछ चमत्कार करने में संभव हो। और मुझे लगता है sound से चमत्कारी और कोई भी चीज़ नहीं है, so this is how came wizard of sound। तो मैम, ये जो आप क्लिनिक चला रहे हो वो आप कितने साल से चला रही हैं? भोपाल में मैंने ये क्लिनिक स्टार्ट किया था 2017 में, और उसके एक दो साल बाद कोरोना आ गया और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो कुल मिलाकर मैं अगर कहूँ तो कोरोना इस मायने में लाभप्रद रहा, क्योंकि पहले हम लोग हमेशा फिजिकल सेशंस करते थे, जिसमें आप आते हैं मेरे क्लिनिक में, लेटते हैं और थेरेपिस्ट आपको थेरेपी देते हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेशंस जिसमें हम लोग फिजिकल लेवल पे ग्रुप के लिए काम करते हैं। लेकिन कोरोना से एक जो बहुत बड़ा लाभ हुआ वो ये हुआ कि हम लोग इंटरनेशनली इस काम को ऑनलाइन करने लग गए। सो ड्यूरिंग कोरोना वी कंडक्टेड सेशंस फॉर इक्वाडोर, बांग्लादेश, US, UK, ब्राज़ील एंड ऑल्सो इन इंडिया। बट उसके बाद ये बहुत कॉमन हो गया कि हम लोग ऑनलाइन सेशंस भी करने लग गए हैं। तो मैम, जो ये साउंड थेरेपी है इसके बारे में भोपाल में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं कि साउंड थेरेपी कैसे, मतलब बाकी जो थेरेपीज होती हैं उसमें डिफरेंट होती है और कितनी कारगर होती है? जिन लोगों को साउंड थेरेपी के बारे में आइडिया नहीं है, उनको डेफिनेटली मैं इन्वाइट करना चाहूँगी कि ज़रूर आएँ, मुझसे संपर्क करें, क्योंकि साउंड से बड़ी कोई भी चिकित्सा नहीं है। अगर हम ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज की बात करें तो दिस इज़ नॉन इन्वेसिव। पहली चीज़, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें आप बीमारी पर तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको मेडिटेशन का भी लाभ मिल रहा है, बिकॉज 15 मिनट के अंदर आप एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, जो बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट होती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप खुश रहने की कला बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं तो रितिका यही कहना चाहती हूँ न्यूज 18 के माध्यम से सभी दर्शकों को कि अगर आप स्वस्थ हैं तो मेरे पास जरूर आएं, ताकि आप सदा स्वस्थ रहें। आप साउंड, कौन सी साउंड आपके लिए उपयोगी है, कैसे आप इसको डे टू डे बेसिस पे यूज करके स्वस्थ रह सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं, ये सीख लें। अगर
आपको कोई बीमारी हो चुकी है तो यू कैन ऑल्सो रिवर्स द डिजीजेस. आप दवाइयों के डोजेज आपके ग्रेजुअली कम होने लगेंगे, जैसे जैसे आपका माइंड रिलैक्स होगा आप बेहतर होते जाएंगे. और कॉर्पोरेट्स के लिए या आज की आपाधापी के युग की बात करें तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में तनाव कहीं ना कहीं मौजूद है. तो इस तनाव को चलिए जड़ से मिटा देते हैं. आप सब जरूर आए और साउंड हीलिंग सीखें भी और करें भी. जी, आपने बताया था कि आपको आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कुछ, जिसमें आपने 13,000 लोगों को मतलब एक साथ मेडिटेशन करना सिखाया, उसके बारे में कुछ पता है? जी, मेरी हमेशा से इच्छा रही है, बहुत ब्रीफ में बताऊं कि मेरी अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं एक बीमारी ऐसी रही है जिसकी वजह से मैंने ये सब सीखा, उस बीमारी को, उस ऑटोइम्यून डिजीज को कॉन्कर किया. तो इसलिए मुझे हमेशा रहता है कि यूथ जो है ये साउंड हीलिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस ये ज़रूर सीखे, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं छोटी छोटी सी चीज़ों पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा है. तो आप अगर ये सब सीख लेते हैं तो आप जीवन में सहज रहना सीख जाते हैं. इसी उद्देश्य से मैंने LNCT कॉलेज में 1313 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ये मेडिटेशन किया था और इसमें हम लोगों ने लगभग 30 सिंगिंग बोन्स का उपयोग किया था. दिस वाज रजिस्टर्ड इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ये आज भी हाईएस्ट नंबर है टुगेदर मेडिटेशन का इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड विद सिंगिंग बोन्स. तो यूथ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ज़रूर आगे आएँ और आप सब से भी अपील करती हूँ कि इस चीज़ को जन जन में पहुंचाएं, ताकि माइंडफुलनेस, सिंगिंग बोल्स, साउंड हीलिंग का उपयोग करके आप सब स्वस्थ रह सके और हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें जिसमें हंसी खुशी हम जिंदगी बिता सकें.